नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार क्यारी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं झज्जर जिले के किलोई गांव में। और देखिए, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है, हरियाणा की परंपराएं हैं, और इसीलिए हरियाणा प्रदेश का नाम समस्त उत्तर भारत में लिया जाता है। जी हाँ, सामाजिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, और इसी कार्यक्रम के सिलसिले में आज हम किलोई गाँव में पहुंचे हैं, जहाँ पर एक देसी घी के दसोरी कार्य का आयोजन किया जा रहा है। और यही हमारी हरियाणवी संस्कृति की खूबसूरती है, जिसमें तमाम जाति धर्म के लोग एक साथ एकजुट होते हैं, एकत्रित होते हैं और इस सामूहिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी उपस्थित कराते हैं। हमारे साथ गुलिया खाप के प्रधान है 84 के चौधरी सुनील गुलिया जहांगीरपुर। आइए जानते हैं उसे किस तरह का कार्यक्रम है और क्या रूपरेखा रहेगी, बात करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। दसोरी कार्य आपकी विशेष तौर से गुलिया खाप में बड़ा विशेष महत्व है, इन कार्यों का यह किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस भव्य प्रोग्राम में आने का आपने कष्ट किया और हमारे समाज के ये जो परंपराएं हैं इसको अपने माध्यम से प्रचार और प्रसार करने का कदम उठाया, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद। और मैं बड़ी खुशी के साथ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पिताजी प्रधान बने जिस टाइम में, सबसे पहले इस कलोई गांव की पावन धरती पर कलोई ग्रामवासियों ने इस तरह का एक अपना तीसरे का एक कार्य पहले भी किया था, तो उसमें हमारे फादर जो है प्रधान बने थे और उसमें सबसे पहले कार्य उनका वो था। और ये सौभाग्य दोबारा से मेरे को भी प्राप्त हुआ कि कलोई गांव की पावन धरती के ऊपर ये चौधरी करतार सिंह जी अपनी माता जी का देसोरी कार्य करने का काम कर रहे हैं। और इस कार्य को पूरा हमारे जितनी हमारी सरदारी है, गुड़िया की सारी तमाम सरदारी यहाँ मौजूद है और परिवार के सदस्य और कलोई गांव नगर खेड़ा पूरा यहाँ मौजूद है। और बड़े भव्य तरीके से आपके पंडाल यहाँ देख ही रहे हो और सारा जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी मजबूत तरीके से अच्छी व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसके अंदर रंगारंग कार्यक्रम, हरियाणवी कल्चर, हर एक अच्छे अच्छे जो कलाकार हैं दूर दराज से, हमारे यहाँ कई स्टेटों से कलाकार पहुँचने का काम करेंगे और देसी घी का बहुत ही अच्छा भोज कराया जाएगा और सुबह हवन का प्रोग्राम भी है। और हमारी जो दादी जी थी उनका बहुत ही अच्छा पूरा जीवन काल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना निर्वहन किया, समाज के अंदर बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए, तो चौधरी करतार सिंह जी ने महसूस किया कि हम अपनी माता जी का एक महायज्ञ करें जिसके अंदर सभी को आहुति डालने का मौका मिले। और उनकी एज 110 साल की एज बता रहे हैं चौधरी साहब, और ये बिरले आदमी होते हैं जो अपने जीवन काल के अंदर अच्छे कार्य करते हैं और वो इतना लंबा जीवन जो आदमी परमात्मा परमपिता उन्हीं को देता है, तो उसके माध्यम से आज हमारा समाज, वो एक हमारा माध्यम थी चौधरी करतार सिंह जी के, जो उनके संस्कारों को देखते हुए इस परिवार ने कदम उठाया, उसके तहत हम जो है पूरा ये हमारा समाज इकट्ठा हुआ है। इस भव्य प्रोग्राम को हम कल बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन करेंगे शाम को रस्म पगड़ी के साथ, और तमाम खापों को हमने निमंत्रण दे रखे हैं। जहाँ तक खापों की परंपरा है, ये बहुत प्राचीन संगठन है। खापे 643 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के टाइम से ये स्थापित हुई थी खापे जी, तो उसी टाइम से लगातार कंटिन्यू समाज के अंदर अच्छे कार्य करते आए हैं हमारे संगठन। तो तमाम खापे हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से हमारे कल भाई पहुंचने वाले हैं, और हमारी गुड़िया की तमाम सरदारी, मैं इनसे भी अपील करूँगा कि जो खापे हमारी यहाँ पहुँचेंगी उन खापों का बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान हम करेंगे, और वो हमारे सम्मान बढ़ाने के लिए जो करतार सिंह जी को पगड़ी रसम पगड़ी कल इनको पगड़ी हम बांधेंगे। हमारा पहले तो हमारा तरीका है, हमारी खाप की पगड़ी होगी, गांव की पगड़ी, फिर खाप की पगड़ी, उसके बाद जो हमारी शान बढ़ाने के लिए और खापे आएंगी वो भी बैठ के यहाँ शाम को 3:15 बजे पगड़ी बांधने का काम करेंगे। और मैं इस परिवार से आज आपके माध्यम से भी अपील करूँगा कि इस परिवार की समाज के अंदर प्रतिष्ठा और जिम्मेवारी, प्रतिष्ठा तो बढ़ गई लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई, तो इस परिवार को बड़े बहुत ही सूझबूझ के साथ अच्छे कार्य करने हैं और पहले भी करते आए हैं। अच्छे ही जो आदमी होते हैं वही कार्य करते हैं, और अच्छे जिसका अच्छा व्यक्तित्व तो रहा अपने जीवन काल के अंदर उसी का कार्य किया जाता है। ये हमारे संस्कृति के अंदर या हमारे समाज के अंदर हमारे पूर्वजों ने एक प्रथा इस टाइप की बनाई है, तो उसका कल जो है रसम पगड़ी के साथ हम इसका प्रोग्राम का परमपिता परमात्मा से
पूरी हमारे ऊपर कृपा है और अच्छे तरीके से इसका समापन हम कल करेंगे शाम को 4 बजे। जी हाँ, और देखिए आपसी भाईचारे अनूठे कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया जाता है दसोरी कार्यक्रम में। जी हाँ, विभिन्न तपे खापे सरदारी यहाँ पहुँचती हैं, देश भर के प्रतिष्ठित लोग पहुँचते हैं, एक साथ एकजुट होते हैं। जी हाँ, बात करेंगे, हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद भी हैं जगबीर सिंह रुफकाला प्रधान निर्माणा, उनसे भी बात करना चाहेंगे। पार्षद जी, क्या लगता है, जिस तरह से कार्य के कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी है चौधरी सुनील गुलिया जी ने, आज का ये जो कार्यक्रम है खिचड़ी, इसका क्या महत्व है, जो आज तमाम इतने लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, खिचड़ी को लेकर के क्या महत्व है हमारे समाज में? संजय भाई, सभी बातें हमारे प्रधान जी ने आपको बता दिए। खिचड़ी का काज के साथ बहुत बड़ा महत्व है। काज से पहले दिन हमारे खाप से क्षेत्र से सभी संबंधित बुजुर्ग व्यक्ति आकर अपने इस कार्यक्रम को भी संभालते हैं और एक खिचड़ी के रूप में एक भोजन भी ग्रहण करते हैं, जिससे सारी व्यवस्था का पता लग जाए और आने वाले जैसे कल काज है उस काज की सारी व्यवस्था को देखकर किसी तरीके की कोई कमी या त्रुटि हो तो उसको पूरे करने का काम करते हैं और सभी जिम्मेवार बुजुर्ग व्यक्ति इस खिचड़ी के माध्यम से यहाँ अपने इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस काज के आयोजक करता हैं, हमारी 84 खाप की जिम्मेवारी है कि कल हम अपने पूरे काम को अच्छी तरीके से संभालें और पूरे देश से 36 बरादरी के जितना भी हमारा भाईचारा होगा, हमारी पूरी 84 की 36 बरादरी उस भाईचारे का मान सम्मान करेगी और पूरी मेहनत करके न इस काज को संपन्न बनाने का पूरा काम करेंगे। जी हाँ, और देखिए इसमें भाईचारे की एक अनूठी मिसाल पेश की जाती है, तमाम पूरे भारत देश से लोग यहाँ जुटते हैं और एक पंडाल में पहुँचते हैं, एक साथ भोजन भी करते हैं और उस परिवार को अपना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं जो इस तरह के सामूहिक आयोजन करते हैं। जी हाँ, परिवार के सदस्य हैं हमारे साथ, उनसे भी जुड़ेंगे, बात करना चाहेंगे। जी करतार सिंह जी, जी नमस्कार जी। नमस्कार। कल पूरा देश आपके यहाँ गांव में पहुँचेगा, दसोरी कारज है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे कार्य करते रहो और उससे सम्मान बनेगा और अपने माता के बारे में जो बताएंगे जिन्होंने अच्छे काम किए और बड़ी सुशील स्वभाव की रही, अच्छी उम्र पाई, उसके लिए बताएंगे, ऐसा सबके करें सब। जी हाँ, भाईचारे अनूठा एकता की मिसाल है। जी प्रधान जी, क्या कहना चाह रहे? बस मैं आपके माध्यम से एक अपील ये करूँगा कि ये जो कार्य की प्रथा थी, ये कार्य की प्रथा भी हमारी खाप से ही स्टार्टिंग हुई थी इसकी। जी 1846 में हमारे बादली गांव में सबसे पहला कार्य हुआ था। उस प्रथा को, हमारे पूर्वजों की प्रथा को, हमारे जो आदरणीय हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा याद रखते हैं और समय समय पे जो जिनका अच्छा व्यक्तित्व होता है उसको दोहराने का काम करते हैं। और कलोई गांव के अंदर भी ये दूसरा ये बड़ा कार्य है, वो थोड़ा हमारी खाप लेवल का कार्य था, ये कार्य देशोरी कार्य है जो करतार सिंह जी कर रहे हैं, तो इस कार्य का बहुत बड़ा महत्व है हमारी खाप के लिए भी, इस परिवार के लिए भी, गांव के लिए भी, तो इसको मिल बैठ कर बहुत अच्छे तरीके से हम इसका कल समापन करेंगे। और मैं आपके माध्यम से एक अपील भी करूंगा कि जहां तक दूर दराज तक ये हमारी आवाज़ आप बुलंद करने का काम करेंगे, वहां से मैं अपील करता हूं अपनी खाप गुड़िया खाप 84 की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने युवा बुज़ुर्ग और जितने भी हमारे साथी 36 बरादरी से यहाँ पहुँचने का कार्य करें। जी हाँ, बात करेंगे, प्रधान जी हमारे साथ, बड़ा लंबा अनुभव है इनका, हर राजनीतिक धार्मिक सामाजिक कार्य में पहुंचते हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है दसोरी यज्ञ, जिसमें देश भर से लोग जुटते हैं, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, जो कार्य सुचारू रूप से संचालन के लिए किस तरह से ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं और किस तरह से सब लोग मिलकर यह सफल करते हैं इस कार्यक्रम को। संजय भाई, ऐसा है, दसोरी काज है, इसमें आज जो पहले तो खिचड़ी का, मैं आज खिचड़ी है, खिचड़ी का महत्व तो यही होता है कि सारी खाप बैठ के और सारे कार्यक्रम के बारे में सोच विचार करती है, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए उस कमी को निकालने की एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कार्यक्रम के अंदर किसी की पार्किंग की जिम्मेवारी है, किसी की खाने खिलाने की जिम्मेवारी है, किसी की हुक्के पानी की जिम्मेवारी है, किसी को बैठाने की जिम्मेवारी है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की है, भिन्न भिन्न जो है
जिम्मेवारियाँ इसमें आज निश्चित की जाती हैं, जिनको निभाने के लिए सभी प्रकार से विचार करके और कल के प्रोग्राम को पूर्ण रूप से कामयाब बनाने के लिए पूरी नीति तैयार की जाती है। जी हाँ, पंडित उमेश जी हमारे साथ, उनसे भी जुड़ेंगे किलोई गांव को। जैसा कि सुनील गुलिया प्रधान जी ने बताया, दूसरी बार आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पहले आप खाप का एक कारज कर चुके हैं किलोई गांव और अब यह दसोरी कारज है। किलोई गांव में क्या माहौल है? किलोई गांव में बहुत ही बढ़िया माहौल है, सब बड़े प्यार से काम कर रहे हैं और 3 दिन से सांस्कृतिक कार्यक्रम करवा रहे हैं। और पहले अपना परिवार इकट्ठा किया, फिर गांव इकट्ठा किया, फिर अपना 24 फिर अपने प्रधान सुनील जी करे, फिर उसमें काम सबको डिवाइड करे गए, किसी को रागनी का दिया गया, किसी को टेंट का दिया गया, किसी को पूरे भारत के अंदर घूमने के लिए हमारे आदमी गए खापों के, और बहुत ही अच्छे स्वभाव से इसको कामयाब करेंगे और सभी हमारे साथी सुनील जी और सब जी। पूरा और देखिए 4-17 खाप के प्रधान भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। चौधरी हरिंदर सिंह है सेलाना से, 17 खाप के प्रधान है। प्रधान जी, दसोरी कार्य का आयोजन किया जा रहा है आपके साथ लगते गाँव कलोई में, 4 खाप का क्या योगदान रहेगा और क्या माहौल है? संजय भाई, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उन सबको अपनी तरफ से नमस्कार करता हूं मैं। और जो ये कार्य होते हैं, ये इनका एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे मैन मुख्य उद्देश्य जो हमारा भाईचारा है ना, वो संगठित होता है। काज के द्वारा दूर देश के दूर दूर कोने कोने से चारों दिशाओं से लोग आते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, दुख सुख के बतलाते हैं और उससे भाईचारा बढ़ता है। तो एक सदियों से रीति चली आ रही है हमारी कार्य की। तो मैं हमारे जो प्रधान 84 के सुनील जी, उन्हें विस्तार से बता दिया, मैं तो ज़्यादा ना कहते हुए परमपिता परमात्मा से दुआ करूँगा कि जो हमारे अंकल जी चौधरी करतार सिंह हैं, वे अपने माता देवी जो चंदो देवी का कार्य करने जा रहे हैं, परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे। और भाई जो गवांड की जो सरदारी आवे, परमात्मा जो कल इस कार्य को सुख और शांति से इसको संपन्न कराने का काम करे। और जैसे हमारी प्रधान जी ने ड्यूटी लगा रखी है, हमारी जो 4-17 बाड़े ड्यूटी लगा रखी है, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई के पात्र हैं आप इस चैनल के माध्यम से हर सामाजिक प्रोग्राम को बहुत ही जोर शोर से उठाते हो, जिससे जो भी लोग सुनता है एक भाईचारा की उमंग बनती है। आपका धन्यवाद जी। जी हाँ, और देखिए हरियाणा हरी की धरा है, उच्च यहाँ की परंपरा है, और धन्य है वो परिवार जो इस तरह के सामूहिक आयोजन करता है और तमाम लोगों को एक मंच पर बुलाता है। जी हाँ, 84 गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया की जिम्मेदारी है, इन्होंने तमाम भारत देश में चिट्ठी के माध्यम से और सूचनाएं दी हैं और तमाम कल यहाँ किलोई गांव में इतिहास बनेगा और देश भर से विभिन्न तपों के खापों के सरदारी, जी हाँ, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे और इस तरह के धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान जो अपने परिवार के अपने बुजुर्गों की विरासत को संभालते हैं और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं, आने वाली युवा पीढ़ी को भी जानकारी मिलेगी, हरियाणा प्रदेश की इस महान संस्कृति का ज्ञान होगा, किस तरह से एक मंच पर तमाम 36 बिरादरी के लोग, विभिन्न तपों खापों सरदारी के लोग, बुजुर्ग गण यहां पहुंचेंगे और इस विशाल काय आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे सुनील प्रधान, जहांगीरपुर से हैं चौधरी सुनील गुलिया जी, उनसे जानना चाहेंगे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी, क्या टाइमिंग आपने रखा है, एक बार जानना चाहेंगे। टाइमिंग सुबह महायज्ञ होगा जी 8 बजे, उसके बाद हमारी तमाम सरदारी यहाँ इकट्ठा होने का काम करेगी। 10:30 बजे और 11:30 और 11 के बीच में पूरी हमारी सरदारी कलोई गांव के अंदर पहुंचने का काम करेगी, हमारी पूरी खाप। उसके बाद ढोल लंगारों के साथ, बढ़िया गाजे बाजे के साथ पूरी हमारी सरदारी सम्मिलित हो गए, संगठित हो गए, अच्छे तरीके से पूरे कलोई गांव के अंदर से घूमते नाचते गाते बढ़िया तरीके से आतिशबाजी करते हुए, जिस तरीके से इस परिवार ने बहुत ही उमंग के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बहुत मन से जो कार्यक्रम किया है, वही हमारी पूरी खाप की, हमारी खाप की सुंदरता यही है, हमारी खाप की खूबसूरती ये है कि हमारे संगठन और हमारी खाप की शुरू से आन बान शान हर व्यक्ति की एक ही है, एक ही उद्देश्य है कि गुड़िया खाप को किस तरीके से ऊंचा बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसको संगठित रखा जाए। तो हमारी पूरी सरदारी इकट्ठा हो गए, हमारे सारे बुजुर्ग उसकी अगुवाई करेंगे और हम एक टीम की तरह चल के सारे इकट्ठे हो गए पूरे कलोई गांव के अंदर से हर्षो और उल्लास के साथ नाचते गाते अच्छे तरीके से, घोड़े ऊँट हाथी जैसा भी जो बाजा गाजा जो हमारे
बुजुर्ग जैसे सदा से करते आए हैं, उसी तरीके से अच्छे ढंग से हम नाचते गाते आतिशबाजी करते हुए और यहाँ प्रस्थान करने का काम करेंगे। और फिर उसके बाद हमारी पूरी खाप इस पूरे पंडाल के अंदर अलग अलग कोणों में खड़ी होकर जो भी तमाम सरदारी हमारे यहाँ पहुँचने का काम करेगी, उस सरदारी के मान सम्मान को मेहमान नवाजी में लग जाएंगे। उसके बाद जिसकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को निभाने का काम करेंगे। और जो हमारे मेहमान यहाँ पहुँचेंगे हमारी शान बढ़ाने के लिए, हमारे को पगड़ी देने के लिए, हमारे को समर्थन देने के लिए कि गुड़िया खाप ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, तो हम लोग तन मन धन से ये हमारी खाप, हमारी दूर दराज की जितनी खाप है वो हमारी शान बढ़ाने के लिए आएंगे कि हम अपने भाईचारे की पगड़ी आपके सर पे रख के जा रहे हैं, आपकी शान बढ़ा के जा रहे हैं। इस पगड़ी की, हमारी पगड़ी की आप लोगों को जो है शान रखनी है। और हमारी तरफ से इस परिवार को ये आदेश होगा कि आप लोगों ने ये इतने खापों ने आपके सिर पे जो पगड़ी रखी है, अब आपने इस पगड़ी का जो है हमारी खाप के ऊपर रख दी, खाप ने आपके ऊपर रख दी, तो इस ये सफ़ेद कपड़ा नहीं है पगड़ी का कि इसका रंग सफ़ेद है, तो इसके अंदर ये जैसी सफ़ेदी है इस परिवार के ऊपर इतना वजन हो गया है कि इस सफ़ेदी को बरकरार रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस परिवार को काम करना पड़ेगा। ये हमारी प्राचीन परंपरा है और इसको कल आपके सामने हम 4 बजे रसम पगड़ी फाइनल करके इसका बहुत अच्छे तरीके से समापन करेंगे। वो सभी आपके बीच में सारा मामला होगा और मैं अनुरोध करूंगा कि कल आप पूरा दिन यहाँ इसको फिल्माने का काम करें और इसको दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ भी देखें लोग, और उससे एक भाईचारा और संगठन जो हमारा जिस तरीके से काम करता है उसको देख कर समाज के अंदर एक अच्छी चेतना जगाने का काम करें। तो मैं जो है पुनः यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि युवा शक्ति और बुज़ुर्ग हमारे को आशीर्वाद दें और हमारी खाप की शान बढ़ाने के लिए हमारी गुड़िया खाप के अंदर पहुंचने का काम करें। और कल जो भी होगा वो आपके सामने होगा, बहुत ही अच्छा होगा जी, क्योंकि जो हमारी आदरणीय दादी जी थी वो इतनी लंबा जीवन जी के गई है और उनका इतना अच्छा व्यक्तित्व था, इस परिवार ने इतना अच्छा सोचा है, तो ये इस तरह के जो प्रोग्राम है परमपिता परमात्मा भी बड़ा अच्छा मौका देता है, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा जी, बहुत ही अच्छा होगा जी। और देखिए खापों का बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है, ना केवल हरियाणा में बल्कि उत्तर भारत में खापों को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये वो खापे हैं जो समाज को जोड़ने का कार्य करती हैं, समाज में आई विघटन और दरारों को पाटने का कार्य करती हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण कल देखने को मिलेगा जब पूरे भारतवर्ष से तमाम लोग यहां पहुंचेंगे और एक साथ यहां जुटेंगे। जिस तरह से धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं वो समाज में भाईचारे का संदेश तो देते ही हैं, साथ ही अपने एक दूसरे लोगों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से किसी कार्य को एक दूसरे के सहयोग के साथ अंजाम देना यह बड़ा महत्व रखता है। प्रधान जी, जिस तरह से तमाम आयोजनों को लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग जुट पाएंगे और क्या विशेष रहेगा? देखिए संजय भाई, ये हमारी खाप की तरफ से देश सोरी काज का आयोजन किया जा रहा है जी, तो कम से कम हम लाखों की संख्या में अनुमान लगा रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग युवा साथी 36 बरादरी से हर वर्ग के आदमी लाखों की संख्या में पहुंचेंगे। और उसके लिए हमारी 84 ने जिस दिन हमारी पंचायत हुई उसी दिन ड्यूटी लगा दी थी, भाई आपने बाड़ा समाना, हमारे जो क्षेत्र के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वे एक सम्मान के रूप में हर गांव से आने वाली सभी खापों का सम्मान करेंगे, गेट पर रहेंगे। हमारे जैसे जो युवा साथी हैं वे ओके पानी की और चाय के लिए व्यवस्था करेंगे। प्रधान जी की अगुवाई में 11 बजे सुबह 8 बजे हवन होगा, 11 बजे खाना शुरू हो जाएगा, उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम चलेगा और 3:15 बजे जो हमारे जो पगड़ी का जो समय है वो 3:15 बजे है, पगड़ी बंद रहेगी। उसके बाद पूर्ण रूप से 36 बरादरी 84 गुड़िया हर अपने इस काम को पूरी मेहनत और सहयोग के साथ निपटाने का काम करेगी। रसम पगड़ी का जो समय दिया गया है प्रधान जी, वो क्या समय है, लोग रसम पगड़ी का समय जानना चाहते हैं। संजय भाई, हमारा जो संदेश है जो चिट्ठी के माध्यम से दिया गया है वो 3 बजे का दिया गया है, क्योंकि 3 बजे हम शुरू करेंगे तो 3:15 बजे जो हमारा एक शुभ टाइम है वो 3:15 बजे का टाइम है जी, 3:15 बजे कल 3:15 बजे रसम पगड़ी होगी जी। हाँ, और देखिए 3:15 बजे रसम पगड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और तमाम यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, विभिन्न प्रदेशों से लोग यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं, उत्तर प्रदेश से कुछ साथी गुलिया खाप के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले हमारे साथ जोगिंदर प्रधान है, पूर्व डायरेक्टर जिन्होंने गौ माता का दसौरी कार्य किया था, उनसे भी जानते हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जोगिंदर जी, आपके कलोई गाँव में दसौरी कार्य है, क्या कहेंगे? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी, थैंक यू। दूसरी बात, जो हमारे 24 में हमारी गुड़िया खाप में जो ऐसे आयोजन जो हमारी समाज एकजुट होकर करती है, जो एक भाईचारा इससे बनता है, मैं भगवान से दुआ करता हूँ अगले परमात्मा का आशीर्वाद से साल भर में 2 या
एक ये ऐसा प्रोग्राम होता रहे तो हमारी खाप की अलग से पहचान हो। मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार सब, क्या शुभ नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी कहाँ से आए हैं आप? जिला उत्तर प्रदेश शामली जिला गाँव बाजू। बाजू हाँ। अच्छा क्या लगता है आपको, कल दशहरी कारज है, तमाम देश से खापे आ रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इतनी दूर से आ पाए हैं? हम भी इसीलिए आए हैं, हम सब हमारे भाई हैं, भाईचारा बना रहे, दूर दूर तक जान पहचान होती रहे आपस में और ये ऐसे काज चलते रहे जी। आपका क्या नाम है? उदय राम। कहाँ से आए हैं जी? बाजू से। अच्छा जी, शामली जिला उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश जी हाँ। और देखिए तमाम खापों के लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए। नमस्कार जी। नमस्कार। कितनी उम्र है जी आपकी? मेरी हाँ जी 80 कम रह रही। अच्छा कहाँ से आए हैं आप? बाजू से, उत्तर प्रदेश से। हाँ। जी हाँ। और देखिए सामाजिक एकता का अनूठा मिसाल आपको देखने को मिल रही है, ना केवल हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, और देखिए इस तरह के आयोजन से जी हाँ निश्चित तौर से धन्य है वो परिवार, धन्य है वो पुत्र और धन्य है वो गांव जहाँ पर इस तरह के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, तमाम लोग जुटते हैं। उमेद सिंह जी क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जी हमारे गाँव का बहुत सौभाग्य की बात है, चौधरी करतार सिंह ने ऐसा काम किया। वो कहते हैं विद्यन चले जाते हैं और बात खड़ी रह जाती। तो पहले भी हमारे गांव में 30 गांव का हुआ था और अब चौधरी करतार सिंह ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा, सराहनीय और ये ऐतिहासिक चीज रहेगी सदा उम्र, मतलब हमारी चलती रहेगी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, मैं इंद्रजीत सिंह अलीगढ़ से आया हूँ मैं जी। और हम ये जसोरी दादी के जसोरी काज में आए हैं और बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेंगे। हमें बहुत खुशी है कि इतना मान सम्मान यहाँ पे मिल रहा है और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हम यहाँ पे वो जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाएंगे जी। हाँ सबसे मिलजुल कर जी। और देखिए सभी लोग यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं एक दिन पूर्व, जैसा कि प्रधान चौधरी सुनील गुलिया जी ने बताया, जगबीर सिंह पार्षद ने बताया, तमाम ये जो समाज के लोग हैं इन्होंने जो जानकारी दी है। यहाँ पर खिचड़ी का कार्यक्रम हो चुका है और यहाँ लगातार लोगों का आना जारी है। विशाल का एक पंडाल यहाँ पर लगाया गया है, आने वाले तमाम लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए आपस में ड्यूटियाँ तय की गई हैं। प्रत्येक गाँव का, प्रत्येक तपों का, खापों का, सरदारियों का यहाँ महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सभी एक दूसरे के सहयोग के साथ इस ऐतिहासिक दशहरी कार्य को सफल बनाने का काम करेंगे। ओम प्रधान जी संक्षिप्त में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्षिप्त में संजय भाई, वैसे तो सभी बातें आपको विस्तार पूर्व से बता दी हैं, लेकिन खिचड़ी का जो महत्व है वो हम जो अगला कार्यक्रम है कल का जो मेन तो कल का ही है ना दशहरी कार्य, उसमें जो हमें कार्यक्रम को संपूर्ण तौर पर कामयाब करना है उसमें कुछ त्रुटियां हो, जिसे खिचड़ी का मतलब घी खिचड़ी एक हो जाए, तो सारे भाइयों के जो भी मनमुटाव कोई गांव में एक भी तो रुषा उड़ नहीं जाए, सभी घी खिचड़ी हो के। बहुत बढ़िया, आपसी मनमुटाव ईर्ष्या द्वेष को दूर करने का कार्य करती है यह खिचड़ी प्रथा। जी हाँ, वो तमाम युवा जान ले जो नेट चलाते हैं, जो इंटरनेट यूज करते हैं, वो भी इस चीज को ध्यान से सुन ले कि दशहरी कार्य के अंदर ये जो खिचड़ी का कार्यक्रम किया जाता है ये आपसी मनभेद मनमुटाव ईर्ष्या को दूर करने के साथ साथ भाईचारे को बढ़ाने का कार्य करता है। पवन जी आपके गांव में बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? संजय भाई सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, समाचार कैरी की पूरी टीम का। हमारे गांव में इतना उत्साह है, चौधरी करतार सिंह ने पहला देशोरी कार्य किया है, हमारे गांव की ड्यूटी जो है हुक्का पानी और व्यवस्था की है। हमारा गांव जो भाई साहब ने ड्यूटी लगाई थी प्रधान जी ने गुलिया खाप 84 के ने, उससे 21 करने का काम हमारा गाँव करेगा। और हमारा गाँव सभी आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं युवा से अपील करूँगा वे भी सामाजिक यज्ञ में आकर के अपनी आहुति डालने का काम करें। जी हाँ, आइए आपको एक बार नज़ारा दिखाते हैं पूरे पंडाल का और जिस तरह से तैयारियां की गई हैं। एक विशाल का एक पंडाल यहाँ पर लगाया गया है जिसमें साथ साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, रागणी का कार्यक्रम, उसके लिए मंच तैयार कर दिया गया है। आप देख सकते हैं बड़ा विशाल का एक पंडाल, इस समय काफ़ी बड़ी खुली जगह ये व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था में लाखों लोगों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से, मुजफ्फरनगर से, अलीगढ़ से लोगों का पहुँचना जारी हो गया है, ना केवल हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र तक के लोग इस तरह के दशहरी कार्य में सम्मिलित होते हैं और अपनी भावना जो उनकी परस्पर सहयोग की भावना है, भाईचारे की भावना है, वो यहाँ बलवती होती नजर आती है। एक दूसरे के साथ हमाम तमाम जो मातृशक्ति है वो भी यहाँ पर मौजूद है और इस तरह के धार्मिक सामाजिक आयोजनों में महिलाओं की संख्या भी बड़ी भारी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित होती हैं। मंगल गीत गाए जाते हैं, भजन कीर्तन किए जाते हैं, परमपिता परमात्मा को याद किया जाता है और यह एक दिन साक्षी बन जाता है तमाम उस भाईचारे का, तमाम उस आयोजन का जिसमें लाखों लोग जुटते हैं और इस परिवार को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य करते हैं। कैमरामैन हिमांशु के साथ समाचार कैरी के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट।